हेलो विद्यार्थियों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह है 23 अगस्त 2024 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के सेकंड शिफ्ट का पेपर। यह है जो हिंदी का पोर्शन है, इसका आज हम लोग आपको व्याख्या करके दिखा देते हैं कितना आपका आंसर सही है। आप लोग सभी घर पर बैठ बुला लीजिए, जो आपको आंसर रह जाएगा लगभग 100% सही रहेगा। चलिए देखते हैं, पहले आपका लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 114 से लेकर 118 तक जो गद्यांश दिया है इसको पढ़ना है और इसे संबंधित आपको आंसर देना है। तो लिखा है, रानी की झांसी सुमित्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है, इसी पर आधारित है ये कुछ प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न है, कवित्री का अधिकांश रचनाएं हैं, तो सुमित्रा कुमारी चौहान की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो जो है देशभक्ति पूर्ण है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये आपका सी सही है। फिर आगे प्रश्न है 115, इसमें लिखा है, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, में मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है? तो मर्दानी शब्द का अर्थ है पुरुषों जैसी वाली, ये ऑप्शन बी सही है। ठीक, फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होगा। 116 नंबर पे लिखा है, उक्त गद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, इसमें तो आप कुछ देखने के ही मतलब नहीं जरूरत है, ऊपर ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है झांसी की रानी, तो बिल्कुल सेम आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए, इस गद्यांश का सही आंसर झांसी की रानी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या है 17 नंबर में, कि इस कविता की कवित्री का नाम, इस कविता कवित्री यही ऊपर ही आपको आंसर मिल जाएगा, यहीं पर ये क्या लिखा है सुमित्रा कुमारी चौहान, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये लिखा हुआ है पर बी नंबर आपका ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी चौहान। देखते हैं अगला प्रश्न, लिखा है इस कविता में प्रयोग किया गया रस, तो इसमें या जब आप कविता पढ़ोगे तो इसमें वीर का मतलब वीरता का जो है वर्णन किया गया है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, कौन सा रस हो जाएगा, बीस रस हो जाएगा। ठीक है, वीर रस। आगे लिखा है 19 नंबर में, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो विधुर, विधुर जो होता है जिस पुरुष की स्त्री मतलब ना हो उसको विधुर कहते हैं, तो ऐसे ही जिस स्त्री का कोई पुरुष ना हो तो उसको विधवा कहते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और ऊपर हाँ लिखा है 120 नंबर प्रश्न में आपका क्या लिखा है, तुम कब आओगे, तो कब शब्द क्या है प्रश्नवाचक है, इसलिए इसी का आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है इसमें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या है 121 नंबर पे, 1987 में मगध एक रचना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मगध जिसकी रचना है इसके रचनाकार है श्रीकांत वर्मा जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, 122 नंबर पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें विशेषण आपका देखिए खर्च का खर्चीला हो जाएगा विशेषण, तो ये होगा नहीं, ये निपट ही होगा आपका, निपट विशेषण शब्द है, ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं देखते हैं, लिखा है अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो पहले देखिए अव्यय किसे कहते हैं, आधिकारिक शब्दों को ही अव्यय कहते हैं, तो अव्यय की संख्या इसमें कितनी होती है, 5 होती है, ऑप्शन सी। फिर लिखा है 124 में, री वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो री जैसे आपको पता है कि री मूर्धा शब्द का है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर अगला प्रश्न क्या लिखा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्त में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ होता है, तो धर्म मतलब क्या होता है, इस धर्म का अर्थ आपको बताना है, तो धर्म मतलब मजहब, कि आप किस मजहब या किस धर्म के हैं, इसका ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर आपका लिखा कानन,
कानून का पर्यायवाची शब्द है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आयोग दो दे रखा है, ऑप्शन ए वन और ऑप्शन डी अरण्य। तो इसका दो ऑप्शन नहीं है, इसलिए हो सकता है आयोग इस पे आप लोगों को जनरल मार्किंग दे दे। फिर ये हमका डाउट प्रश्न है, ये आयोग की गलती मतलब प्रश्न पत्र की गलती है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। कृताकृत में समास है, तो कृताकृत में क्या समास होगा आपका, कर्मधारय समास, जो आपको इस कोचिंग में भी कई बार पढ़ाया गया होगा, सब पढ़ाए होंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं लोग क्या है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच का प्रयोग हुआ है, तो कृतवाच जिसके द्वारा कोई काम किया जाए वो कृतवाच होता है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ, यही पता लिख लिया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो यही आपका कृतवाच हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है मार्ग फागुन में पढ़ने वाली, सॉरी ये 129 प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द मतलब बताइए। तो इसका आपको सबसे आसान तरीका होता है कि जो शब्द दिया हो उसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए। वाक्य प्रयोग करेंगे जैसे आप उसका वाक्य बनाएंगे तो वो स्त्री और पुरुष का विरोध करने के तौर। तो इसका चाहत, तो कह रहे उसकी चाहत में ये हो गया, हो गई, तो चाहत गई, तो गई स्त्री हो जाएगा, ये नहीं होगा। उसकी मेहनत रंग लाई, ये भी गलत हो जाएगा। उसने मेहनत की, वो भी स्त्रीलिंग है। बच्चा आहार, तो आहार ही आपका पुल्लिंग शब्द है, उसने आहार ले लिया, तो लिया आपका शब्द क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न क्या है, प्रश्न माघ फागुन में पढ़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द, तो माघ और फागुन में जो शब्द मतलब ऋतु होती है उसको शिशिर बोलते हैं। आपका सिरोधार, जो सिर पर धारण किया हो, सुग्रीव जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीस गर्मी को ग्रीस बोलते हैं, तो इसलिए इसका 130 का आंसर ए हो जाएगा, शिशिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 131 नंबर में क्या लिखा है, अभिन्न शब्द का संभिन्नार्थक क्या है, अभिन्न मतलब अनभिज्ञ, मतलब भिज्ञ अनभिज्ञ शब्द तो पढ़े होंगे आप, जो कोई ना जानता हो मतलब मूर्ख, इसका क्या हो जाएगा आंसर, मूर्ख, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, चीफ की दावत, ये कहानी है, बहुत अच्छी पुस्तक है भीष्म साहनी जी की, इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीष्म साहनी, चीफ दावत। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है, तो जो ये आपका कमा लगा हुआ है, ये डॉट रखा हुआ है, ये होगा नहीं, ये आपका बिंदी और ऐसे कमा लगे हुए हैं, तो इसका मतलब होता है अल्पविराम, मतलब अर्धविराम, आप रुकी हल्का सा, कमा मतलब होता है अल्पविराम, मतलब थोड़ा सा रुकिए आगे बढ़िए, और ये आपका पूर्ण विराम है, मतलब पूरा पूर्व जाना बाकी में, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी अल्पविराम, जो एक बिंदी और कमा लगा हो उसको अर्धविराम कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इत और ईद, इत मतलब होता है समाप्त और ईद मतलब होता है, इत मतलब होता है बाधा, कोई अवरोध आ जाए फिर बाधा हो जाए उसको इत ईद बोलते हैं, मतलब समाप्ति और बाधा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, लिखा मैं गाने की कसरत करता हूं, तो गाना कोई कसरत वाली चीज है, नहीं है, इसका ये गलत हो गया। इसमें लिखा है मैं गाने का शौक कर रहा हूं, ये भी गलत है, ठीक। फिर क्या लिखा मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूं, क्या आप व्यायाम एक्सरसाइज कर रहे हो गाने से, ये भी गलत है। तो एक आपका बचा ऑप्शन बी, मैं गाने का अभ्यास करता हूं, हाँ सभी लोग प्रयास करते हैं कि गाना कैसे लोग गाया जाए, ये इसका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, और बस देखिए क्या है, 136 नंबर में अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो उभय तो सबको पता होगा, उभय मतलब दोनों, तो और किसी में तो दोनों आ ही रहा है लास्ट में, यही एक आपका ऑप्शन है, तो यही हो जाएगा। और अभय मतलब ही होता है जो किसी से डर ना हो, डर नहीं हो, मतलब निर्भय, तो ऑप्शन ए अभय मतलब निर्भय और उभय मतलब दोनों, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, अंधेर नगरी,
का अर्थ क्या है? अंधेरे नगरी उसको बोलते हैं जहां पर जिस वह स्थान जहां पर कोई जो है कोई व्यवस्था ना हो, कोई राज्य कोई संकल्पना ना हो, इसमें हो जाएगा राज्यहीन स्थान, कोई सही सुचारू रूप से ना चलती, उसको अंधेर नगरी कहते हैं। एक अंधेर नगरी रचना भी है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की, अंधेर नगरी अनुज राजा टके शेर खाजा टके शेर भाजा। ये अगला प्रश्न क्या लिखा है, कांति और क्रांति शब्द युग का सही अर्थ है। तो कांति मतलब होता है चमक, तो चमक को आपके दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें तो होगा नहीं, तो दोनों पहले ऑलरेडी गलत हो गए, अब दो ही बचा। तो कांति मतलब होता है थकावट, कि आप कितनी थके हुए हैं। तो कांति और क्रांति का सही आंसर हो जाएगा बी, चमक और थकावट। फिर अगला क्या है, आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ क्या होगा? तो आदि मतलब होता है मानसिक कष्ट या पीड़ा, तो ये हो जाएगा, और व्याधि मतलब होता है रोग या रोगी होता है, बीमारी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसिक कष्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ता वर्ग का सही मतलब ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, तो ता कहां से बोलाता है, ता था दा धा ना, ये जो है आपके वर्ग है और वर्ण है, ये सारे द्वंद से बोले जाते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय होगा? तो इसमें देखिए आप जैसे क्योंकि देखेंगे आप तुरंत समझ जाइए कि उसमें कोई कारण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कारणवाचक अव्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। फिर अगला प्रश्न लिखा है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, अवकर बिनु कर्म करे विधनाना, वाक्य में प्रयुक्त अलंकार। देखिए फिर से देखते हैं इस बार, बिनु पग चले चले सुने बिनु काना, अवकर बिनु कर्म करे विधनाना, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार होगा, तो इसमें जो अलंकार प्रयुक्त किया गया है वो विभावना अलंकार है, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर। हाँ बस आगे देखते हैं हम लोग, क्या लिखा, दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए, तो दवाई का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, दवाइयां, ऑप्शन बी सही है। आगे प्रश्न देखते हैं, लिखा है शब्द में वर्णमाला किसे कहते हैं, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, तो वर्णों के सुव्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णों के सुव्यवस्थित रूप समूह को ही वर्णमाला, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या लिखा है, अंगारे प्रश्ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगारे प्रश्न होता है कड़ी धूप होना, कभी आप सुनेंगे कहते हैं भैया अंगार बस रहा है बाहर, मतलब कड़ी धूप है उस समय, तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर 197 में क्या बोला, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ का बोधक लोगों की है, ये किसका है? तो इसलिए आप एक कहावत सुने होंगे कि घर का भेदी लंका ढले, तो ये ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग, लिखा निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है जानना देवता सुंदर कौन, तो इसमें जो विशेषण हो जाएगा, इसमें गुण विशेषण है, तो गुण विशेषण कौन सा है, सुंदर, उसका एक गुण है सुंदर, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसमें मुझे दिया है, तो मुझे आपका प्रथम पुरुष भी है और इसको उत्तम पुरुष भी कहते हैं, तो मुझे और उत्तम और प्रथम पुरुष, ये ऑप्शन सी, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों ये है, आंसर सी सही है। बहुत लोग इसमें उत्तम पुरुष मारे होंगे, बहुत लोग प्रथम पुरुष मारे होंगे, जो इसका आंसर लगा ऑप्शन सी, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों। अगला प्रश्न लिखा,
150 में। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, तो निर्वासित इत इसमें प्रत्यय है, ऑप्शन ए सही जाएगा। थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए हमारे कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। आपको जो जो प्रश्न होंगे आपको ऐसे सॉल्व कराते रहेंगे। धन्यवाद।